विश्वनाथ धाम को राष्ट्र को समर्पित करें। शिलापट का अनावरण और श्री काशी विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित। साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस ऐतिहासिक समारोह में अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। माता अन्नपूर्णा की, गंगा मैया की इस ऐतिहासिक आयोजन में उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मयोगी श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक श्रीमान जेपी नड्डा जी, उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी महेंद्र नाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, यहां के मंत्री श्रीमान नीलकंठ तिवारी जी, देश के हर कोने से आए हुए पूज्य संतगण और मेरे प्यारे काशीवासी, और देश विदेश से इस अवसर के साक्षी बन रहे सभी श्रद्धालु साथीगण, काशी के सभी बंधुओं के साथ बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवावत है। माता अन्नपूर्णा के चरणन का बार बार वंदन करत है। अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके ही आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो, तो सबसे पहले उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। गंगा तरंग रमणीय झटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई है।
साथियों, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। और आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। वैसे तो अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने, लेकिन जहां तक हमारी मानवीय दृष्टि जाती है, विश्वनाथ धाम के इस पवित्र आयोजन के इसे समय पर पूरा, इस समय पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। साथियों, आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा